ओहे बेर झिंगमा खवास के कहिया की कहिया बाबूकारी सात बोझा तू करची काट के ले आबो आ करची के सजी हो ना वो में काटा लागले रहे दी है। झिंगमा खवास के ऑर्डर मिला झिंगमा खवास हरौटी बसवारी में चल जाइयो सात बोझा करची काट के झिंगमा खवास दौड़ के ले भैया राज परौली दरबार में जा हो। अपना झिंगमा खवास के कहिया जे ए झिंगमा गांव के हजाम के बुलाला आ धोबी के गधा देख राजा वाला बात रहे जे बुझे बउआ कारी कहे से झिंगमा खवास करे दौड़ के जाके धोबी कन से गधा ले एलन और हजाम के बुला के ले एलन। हजाम के बाबू कारी कहिए रे हजाम एकरा नौरंगिया केस काट छील नौरंग के केस आ एकरा चुन्ना के टीका चंदन कर जोगिन सबके जोगिन सके जब इतना बात कहलन बाबू कारी जोगिन सके लावा फूटे जे आई हमर सके इज्जत बचे वाला न उहे काम करैया कहैया एक डेग गधा चलतौ 100 करची एकरा देह पर तोरी है उहे कहलक जोगिन सके नौरंगिया के छिलवा देलक चुन्ना के टीका चंदन क देलक गधा पर बैठा देलन आ एक डेग गधा चले 100 करची ओकरा देह पर गिरे झिंगमा खवास मारैत उतना सरसों धरे लायक जगह न छोड़ल ते में न रहे के चाहे मारैते में जोगिन के लौ मिल गेल जोगिन ओबे करैया कोन उपाय गे भागले तो जइया के जोगिनिया कमरुआ सन राजा में गे कमरुआ सन जब कामर में जोगिन दुनो जाइयो एकर सखी बहिन पा देखैया द कहैया गे बहिन बहुत अच्छा संदेश ले ले ह लेकिन यही संदेश राज परौली में हम डिंगरा कारी के लौटबई कहैया जे गे बहिन चार गो बहिन हिया से चल राज काम हा राज कामर से चल राज परौली दरबार में कारी के राज परौली में लेके चलो कामर में ले भाई हाँ राज हाँ, कामर में ले भाई हाँ, इतना बात बोल के जोगिन से तैयार हो जाइयो आहो भाई यहाँ के कथा विषय यही रह गेल।